नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलन और आप देख रहे हो क्रेजी टेक मिलन। आज हम एक नया वीडियो लाया जो कि एक पावर फैक्टर कंट्रोलर की और APFC के पैनल का वीडियो, जिसमें हम दिखाएंगे कैसे ये पावर फैक्टर पैनल काम करता है और कैसे ये पावर फैक्टर मेंटेन करता है। तो सबसे पहले जो बाहर का लुक है, ये इधर है एक ऑटो मैनुअल का स्विच और ये 3 LED जो कि ROI-V का इंडिकेशन, और ये जो मेन चीज़ है ये है APFC का एलमेजर का APFC 440 का एक कंट्रोलर, जिसमें 12 चैनल है, 12 रिले है इसमें। ये 12 स्टेप में 12 कैपेसिटर को ऑन और ऑफ करेगा। इधर जो है ये 12 कैपेसिटर बैंक का स्विच है, एक ऑन ऑफ स्विच और एक इंडिकेशन, और ये अभी ऑटो में काम कर रहा है। जब इसको मैनुअल में करेंगे तो हम इसको मैनुअल में ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे 5 KVR यहाँ है, 5 KVR को ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, ये भी मैनुअल में काम करेगा। और जब इसको ऑटो में रखेंगे तो ये अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करके पावर फैक्टर को मेंटेन करते रहेगा, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगा। और इसका अंदर का जो लुक है वो इस टाइप का लुक है। इसका वायरिंग है, ये थोड़ा वायरिंग खुला है क्योंकि इसको चेंज किया था पिछली बार, तो इसलिए खुला है। यहाँ पर ये 12 चैनल का रिले का कनेक्शन है, ये कॉमन है, और ये 1 से 12 तक का रिले का कनेक्शन है। इधर V1, V2, V3 का मेन जो सप्लाई है ROI-V का, और ये CT का कनेक्शन है, ये CT से आ रहा है, करंट मेजर कर रहा है। तो ऑटो मैनुअल का स्विच है, और यहाँ से मेन इनकमर जो कि मेन इनकमर यहाँ घुसा, और यहाँ बसबर के थ्रू ये पावर फैक्टर का जो कैपेसिटर बैंक है जो पीछे लगा हुआ है बैंक, कैपेसिटर बैंक को ऑन करेगा। तो ये ऑटो मैनुअल का कॉन्ट्रेक्टर है, और ये वहीं से कंट्रोल होके ये एक कंट्रेक्टर को ऑन करेगा। जैसे कि एक कंट्रोल को ये इसको ऑन किया है, अभी इसके ऑन किया मतलब इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है पीछे ये चालू हुआ है। ये एक नंबर को 2, 3, 4 एक और 4 नंबर को जैसे ऑन किया है, इधर भी आपको दिखेगा 1 और 4 और इधर 7 नंबर को ऑन किया है, दिख रहा है ना। और इसका ये जो MCB लगा है ये पावर MCB है, इसे भी जो ऑन करेगा भी, लेकिन ये इसको ऑन नहीं करेंगे तो कैपेसिटर बैंक से ये सप्लाई मेन में नहीं भेजेगा। देख लीजिए पूरा, अभी इनके पास लोड ज़्यादा नहीं है तो इसलिए थोड़ा ही ऑन कर रहा है 2-3 जो। तो अभी टोटल कितने के वर्क में है पता देना, ये 25 का चार्ट हो 25 का है, और 10 का चार्ट है, 5 का चार्ट है, मतलब टोटल हो रहा है 5, 10, 15, 15, 5, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 50, 110, 110, 50, 100, टोटल 160 का कैपेसिटर बैंक है ये टोटल। ये अभी जो दिखा रहा है पावर फैक्टर ऑटो में 9.6.96, ये अभी लीडिंग पावर फैक्टर है 0.99 लीडिंग, ये कैपेसिटी इंडक्टिव ये कैपेसिटी दिखा रहा है, ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसका अभी वाट है 64 वाट जो रनिंग चल रहा है, जो 66.65 VA है और 5345 VAR, और इसका जो लाइन टू लाइन वाट है 20 वाट करके, VA है 20 वाट, कैपेसिटी है 9.97। ये
इसका एम्पियर है 84.58, हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। तो यही है रहता है कैपेसिटर एपीएफसी पैनल में, जो है कनेक्शन है मैनुअल के लिए। और ये जो जा रहा है, यहाँ जो इनकम आ रहा है, इसका मेन एमसीसी भी इसको ऑफ कर दिया तो इसका कैपेसिटर कपैन से वो ऑफ हो जाएगा। अभी जो मेन इनकम आ रहा है ना, ये जो मेन इनकम आ रहा है, ये जाके डायरेक्टली यहाँ घुस रहा है, मेन के साथ कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है जो कि टोटल करंट को मेजर कर रहा है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टेबलाइजर वन, ये ट्रांसफार्मर है स्टेबलाइजर, ये मेन ट्रांसफार्मर है। तो आज हम इधर आए हैं सर्विस में, ये इनका जो पावर फैक्टर का रिले कंट्रोलर है, इसमें ये ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें कैपेसिटिव 96 दिखा रहा है, जो कि इसमें 99 आना चाहिए। जैसे यहाँ 99 है, लेकिन ये ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, 0.96 इधर दिख रहा है। इसको चेंज करके इस रिले को हम लगाएंगे, कंट्रोलर को लगाएंगे सिलेक्ट का, इसको चेंज करके लगाएंगे। तो लगाने के बाद हम और एक बार इसको देखा देंगे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चेंज कर, ये लगा था इसको चेंज किया मैंने, इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ पहले। ये यहाँ पर कॉमन है, यहाँ से 1 2 3 करके 12 तक है, 12 स्टेप का। और इधर दिया हूँ लाइन 2 में दिया येलो, लाइन 1 में येलो दिया, लाइन 2 में ब्लू दिया। और यहाँ S1 S2 सिटी का, S1 S2 जो कि रेड से होकर आ रहा है, रेड केबल से। और यहाँ ऑक्सिलरी में रेड दिया, न्यूट्रल दिया, और जो बाकी जो कनेक्शन था वही है। तो अब मैं इसको चार्ज करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको चार्ज करेंगे। थोड़ा इसको खोल के देख लेता हूँ, जो कि फिर लगा था सही आवाज आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसको कवर खोल के देखिए, बस हो रहा है, खोल दिया। बाहर का देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं,
चार्ज। ठीक है, ये कंट्रोल एमसीपी है तो इसको मेन एमसीपी को ऑन कर लेते हैं। अब इसको चार्ज करते हैं एक एक करके यहाँ से। ठीक है, चालू कर दिया, इसमें सप्लाई आ गया। एक करके ऑन करता रहेगा ये। चेक कर रहा है कि चालू कितना एमसीबी लगा है, कितना कैपेसिटर। चार नंबर को पिक किया है, इंडिकेशन की जगह है। इंडिकेशन भी दी और यहाँ पर भी। इसमें अलार्म आ रहा है, कुछ सेटिंग्स का बाकी है वो भी दिखाएंगे सेटिंग कैसे करना है। क्या आ रहा है पता नहीं। तो आप एमसीबी को ऑन करते हैं किक करके। ठीक है, ठीक है, इसका सेटिंग को देखते हैं। तो ये है, तो इसका सेटिंग करके हम बता रहे हैं।